कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले संसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन देके वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विजिट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार, वो तीन एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विजिट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है, और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा ही मेरा नाम पड़ेगा। और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतज़ाम मैंने कराया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था, एक अपने जीवन में खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट बनाने का एक काम ठान लिया है कि हम इतने ही अच्छे हैं, हम इतना कुछ हरेक के लिए कर रहे हैं, हम तो जितने एक देते हैं, दान करते हैं, उतना और कोई नहीं करता, हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही कि इसके पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। ये असली मायनों में सेवा भाव का मतलब समर्पित रूप। आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप में भी सेवा के भाव को बहुत ही अच्छी तरह अनेकों माध्यम से महापुरुषों ने डिपिक्ट किया, वो संदेश कि कैसे अपने जीवन में जब हम अहंकार को, अपने अस्तित्व को खो देते हैं, तो जो मिलता है वही सच्चाई है, वही ट्रूथ है, वही अगर हम किसी भी नाम से जाने, इस परमात्मा को, इस परमपिता को, इसको ही हर अपने आप जो इसके गुण हैं उससे देखें।